एरोप्लेन की मोशंस और उसके मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दो टाइप के कंट्रोल सरफेस होते हैं, पहला होता है प्राइमरी कंट्रोल सरफेस, दूसरा होता है सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस। प्राइमरी कंट्रोल सरफेस के अंदर आता है एलरॉन, एलिवेटर एंड रडर। एलरॉन का काम होता है प्लेन को रोल देना, एलिवेटर का काम होता है प्लेन को पिच अप पिच डाउन करना, और रडर का काम होता है प्लेन को योइंग डायरेक्शन देना। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस। सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस में आता है फ्लैप, जिसके मदद से लिफ्ट प्रोड्यूस होती है ज्यादा। दूसरा होता है एयर ब्रेक्स, जिसके मदद से एरोप्लेन की स्पीड को कम किया जाता है। तीसरा होता है स्पॉइलर। स्पॉइलर का काम ये होता है जब लैंडिंग के समय उसे ऊपर करके इसके मदद से एरोप्लेन की स्पीड कम कर देते हैं। चौथा है स्लैट, इसका काम भी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब शॉर्ट रनवे में जल्दी से टेक ऑफ करवाना हो किसी भी प्लेन को तो सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।